एक आध साल पहले मुझे एक कहानी सुनाई थी मेरे ऑफिस में आके, और मैं कुछ फिल्मों में काम कर रहा था एज एन एक्टर, और काफ़ी लोग मुझे कहानी सुनाते थे, काफ़ी लोग बोलते थे कि आप एक ये एक रोल कर लीजिए, 3 दिन का काम है, 10 दिन का काम है, 15 दिन का काम है, गेस्ट है, स्पेशल है, और लेकिन मैं ज़्यादा करके कम काम करता हूँ एज एन एक्टर. You know, I want to keep myself exclusive. I want the audience to wait for me, as I have special features in me. That's my way of performing, my height, my body. So I want them to wait for me. I just don't want to do everything which comes to me. तो कुछ एक आध साल पहले डायरेक्टर प्रोड्यूसर मेरे ऑफिस में आए और उन्होंने बोला कि हम चाहते हैं कि आप ये कहानी सुन लीजिए. मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मैं बताता हूँ. सो 2-3 बार बल्कि उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, और फिर मैंने उनको बुलाया और मैंने बोला सुनाइए कहानी, सुनते हैं एक बार. अच्छा, पहले मुझे आइडिया सुनाइए, कहानी बाद में सुनेंगे. इन्होंने मुझे आइडिया सुनाया, आइडिया वॉज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग. उसके बाद मैंने उनसे कहा कि मुझे स्क्रिप्ट दीजिए, मैं स्क्रिप्ट एक बार पढ़ूंगा. इन्होंने मुझे स्क्रिप्ट भेजी, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ने में कुछ 2 हफ्ते लगाए. मैं हर बार कंप्यूटर खोलता हूँ, मैं बोलता आज नहीं, कल पढ़ूँगा. फाइनली जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू किया, इट इज वन ऑफ द फ्यू स्क्रिप्ट्स व्हिच आई मैनेज्ड टू फिनिश इन वन गो. इट हैज अ ट्रेमेंडसली रिटन स्क्रिप्ट, कैरेक्टर्स वर वेरी वेल रिटन, कैरेक्टर ड्रिवन पिक्चर है. इसके अंदर कोई हीरो, कोई हीरोइन, कोई विलन, कोई एंटागोनिस्ट, प्रोटागोनिस्ट नहीं. द स्टोरी इज द स्टार ऑफ दिस पिक्चर. जब मैंने इस पिक्चर की शूटिंग शुरू की तो मैं डायरेक्टर साहब से पहली बार मिला. कुछ डायरेक्टर के साथ मैंने भी काम किया, मेरे एक्सपीरियंस है. आई एम इन द बिजनेस, आई एम इन दिस प्रोफेशन, आई एम इन दिस पैशन फ्रॉम 3 generations. जब मैं डायरेक्टर साहब से पहले मिला और इन्होंने अपना पहला शॉट लगाया तो मैं समझ गया एंड आई एम इन गुड हैंड्स. मेकिंग शुरू हुई पिक्चर की, इट वॉज अ ग्रेट जर्नी. ही न्यू द मीडियम, ही न्यू व्हाट स्टोरी टेलिंग वॉज, प्रोड्यूसर वॉज देयर टू बैक हिम. Every film has a budget. It was made in a certain budget. Like I always believe in cinema, whether it is Hindi cinema, international cinema, all kinds of language cinema, or rather all kinds of entertainment platforms. It's never which the film fails, it's the budget fails. So this director and this producer knew exactly what to do with this subject, and we are all here, we have all assembled here. Hum sab yahan maujood hain. मेरे बीच में मेरे सीनियर कोलीग्स, मेरे स्टार्स, हिमाकत अली साहब, साहिल, नाफे, आयान, द डायरेक्टर, द प्रोड्यूसर, माय फ्रेंड ऑन द राइट साइड, वी आर ऑल हियर. वी आर वेरी वेरी ओब्लाइज्ड दैट द मीडिया हैज मेड इट पॉसिबल टू कम हियर. द मीडिया ने अपना टाइम निकाला है, मीडिया यहाँ मौजूद है, मीडिया हमारे लिए आई है. इसके लिए हम आपके बहुत ही ज़्यादा आभारी हैं. आज आपके पास टाइम नहीं है, 10 चीज़ें चल रही है हिंदुस्तान में, 10 चीज़ें चल रही है इंटरनेशनली, आपको हर चीज़ कवर करना है, उसके बीच में भी आप टाइम निकाल के हम लोगों के लिए आए. थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज विश अस ऑल द बेस्ट. जाना ठीक है. जब फिर से जब मैं स्क्रिप्ट सुना शुभाग सर आए थे मुझे सुनाने के लिए, तो मुझे सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगा. और मैंने देखा कि अभी सोशल मीडिया पर कुछ बहुत कुछ ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि हम बिना सोचे समझे कुछ भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये सोशल के ऊपर ये फिल्म बनाई गई है. तो जब मुझे स्टोरी नरेट किया गया तो मुझे लगा कि नहीं यार, फिल्म करनी चाहिए. तो मैं इस फिल्म के द्वारा बहुत अच्छा मैसेज दिया हूँ इस फिल्म में, और एक ज़िंदगी में एक गलती जो मेरी ज़िंदगी तबाह कर देती है. तो ये फिल्म हम जब देखेंगे तो पता चलेगा. मैं ज़्यादा इस फिल्म के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि काफ़ी लोग बैठे हैं, वो लोग भी कुछ बात करेंगे आप लोगों से. तो आगे का जो होगा हम फिल्म के बाद ट्रेलर के बाद हम ये दिन आता है तो बड़ी खुशी बहुत होती है, क्योंकि हम मेहनत किसी के लिए इसी दिन के लिए करते हैं. और बहुत खुशी की बात है, मेहनत सबने जी जान से की है, प्रोड्यूसर्स ने, बिकॉज बिना प्रोड्यूसर्स के फिल्म बनती नहीं है. हमारे डायरेक्टर्स ने बहुत मेहनत की, एंड सारे को स्टार्स एक्टर्स सब लोगों ने जी जान से मेहनत की है. बस अब रिजल्ट की बारी है, आप लोग को देखना है और हम सबको आगे बढ़ाना है, हमारी इस फिल्म को आगे बढ़ाना है, ताकि हर एक ऑडियंस तक ये पहुंच सके और सब देख सकें और इंशाल्लाह हिट हो. थैंक यू सो मच.
मूवी है जहाँ से मेरा ये जर्नी स्टार्ट हुआ है एज एन एक्टर. सो फर्स्ट मूवी है और जितने भी एक्टर्स को एक्टर्स मेरे साथ में काम किए दे वर वेरी यू नो लाइक फैमिली. बहुत एक्सपीरियंस पर्सन थे जैसे कि नफे खान जी है, इमाद अली सर जी है, आहान जी है एंड साहिल भाई भी है. बहुत मुझे सपोर्ट किए, बहुत मोटिवेट किए इन्होंने ड्यूरिंग द शूट. एंड इब्राहिम सर को मैं तहे दिल से थैंक यू धन्यवाद कहना चाहूँगा बिकॉज उन्होंने मुझ में एक एक्टर का एक क्वालिटी देखा, उन्होंने एक मुझे चांस दिया इस मूवी के दौरान. सो आई एम वेरी थैंकफुल टू इब्राहिम सर एंड थैंक यू रजत जी. थैंक यू सर, थैंक यू. एंड इस मूवी, ये मूवी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रहेगा. ये मूवी बहुत इम्पोर्टेंट प्ले करता है मेरे लाइफ में बिकॉज दिस वॉज माई फर्स्ट मूवी. सो थैंक यू ऑल वंस अगेन. एंड डायरेक्टर साहब जो है आसपास जी, उन्होंने भी बहुत मोटिवेट किया, बहुत कुछ सीखने मिला सबसे. सो आई एम थैंकफुल टू ऑल. थैंक यू सुपर. कितना छेड़ा इन्होंने इस फिल्म के वक्त, तो वो सब काट करके आज इस फिल्म को मुंबई के सबसे बड़ा होटल. थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप सबको बुलाने. मैंने सबको बुलाया, आप सब हाजिर हो गए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है मैं इन फ्यूचर में और पिक्चर बनाऊं और सबको मौका भी दूं. और मेरे साथ मेरे जो भी सारे एक्टर एक्ट्रेस है बहुत अच्छे हैं, सब मेरे सामने आए तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है. और जिनको भी मैं इन्वाइट किया सबने आया तो मैं बोल नहीं सकती मैं कितने खुश हूँ. मुझे लग रहा है यही मेरा मैं जीत गई, यही मेरा परिवार है. थैंक यू, थैंक यू रबिया. एक मुंबई के ऑटो वाला, जो मुंबई की हेल्पलाइन, उस ऑटो वाला आज इतनी बड़ी फिल्म को उन्होंने लिखा है. तो जोरदार मीडिया वाले आप सब लोग सुनिए, आप लोग प्लीज आपसे विनती है. आज देखिए ऑटो वाले ने देखिए इतना बड़ी फिल्म को देखो आज राइटिंग के सर आपको बहुत ही आपको आप बहुत आगे बढ़ो सर. मेरा दिल से मेरा धन्यवाद है. मतलब आपको सर प्लीज इब्राहिम साहब कुछ बोलिए आप सर प्लीज. सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ मेरे जिंदगी के अंदर की फिल्म बनाते बनाते मेरे जितने भी स्टार कास्ट है वो लोग तहे दिल से मैं हम लोग का साथ दी. और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मौसमी जी को और इंडियन आर्मी को सैल्यूट करना चाहता हूँ जिनकी एक परवरिश का नतीजा है. जिन लोगों को इतना संयम पेशेंस के साथ में मुंबई के अंदर मौसमी जी जब आए थे उनको ना मुंबई के अंदर कोई पहचान था ना किसी को जानते थे वो, ना एक्टिंग लेवल में किसी को जानते थे. लेकिन जब कलकत्ता से यहाँ से आते धीरे धीरे छोटे छोटे कदम रखते इस फिल्म को यहाँ तक पहुँचाने की जिम्मेदारी ली उन्होंने. मैं सबसे पहले उस परिवार को, उस इंडियन आर्मी परिवार को तहे दिल से सैल्यूट करना चाहता हूँ. मुझे भरोसा किया कौन से पता है मैंने ऑनलाइन लिख के दिया. फिर बात उन्होंने आगे बोला की स्क्रीन में डायलॉग लिखेगा. लिखने के बाद आगे काम शुरू हुआ और सबसे पहले उसके बाद मैं इब्राहिम सर का शुक्रिया अदा करूँगा. उन्होंने मुझे हर जगह हर मोड पे कोऑपरेट किया और उसके बाद मेरे डायरेक्टर सर जो है नफ्सा सर हार्डली उन्होंने मुझे हर जगह सपोर्ट किया. और इस फिल्म के अंदर जो जितने भी एक्टर थे स्मार्ट बॉय हमारे बड़े भाई, मेरा भाई साहिल भाई, नफे भाई, हिमायत भाई और जितने भी यहाँ पे सब स्टार बैठे हैं उनके लिए क्या कहोगे सर प्लीज. मैं सबसे पहले तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा साहिल भाई का, नफे भाई का और हिमायत सर का कि मैंने जिस सोच में स्क्रीन पे डायलॉग लिखा था सेम टू सेम वैसे ही उन्होंने एक्टिंग किया और वैसे ही प्ले किया. एक बार जोरदार तालियां हमारे तमाम अशफाक भाई ने और सारी टीम ने, हम लोगों ने एक एक सीन पे जो इन्होंने मुझे समझाया तो उसके हिसाब से हम लोगों ने ये काम किया. उसी हिसाब से हमारे लिरिक्स राइटरों ने भी लिखा है, काफी अच्छा लिखा है इसलिए अच्छी तरह से बनी है. और इसमें गाना हमने सूफी अल्लाह ही देगा ये गाना हमने बनाया था और बस अल्लाह के नाम से ही शुरुआत की है इस फिल्म के गाने की.
बाकी अल्लाह ही बेहतर करेगा हम सबका। बस आप लोगों से दुआ है कि आप हमारे इस टीम के लिए दुआएं करें और हम सबको अपनी बेस्ट विशेस दें। थैंक यू। ओके, जोरदार तालियां, जोरदार दो घर है इसलिए ज्यादा। अभी हम लोग फिल्म को फिगर को हमारे बीच में हमारे गेस्ट जिनके नाम ही काफी है, मुंबई में कहो, इंडिया में कहो, वर्ल्ड में कहो, जिनका नाम है एजाज खान। इंटरेस्टिंग जर्नी रही इस पिक्चर की शूटिंग के दौरान। कुछ ऐसे एपिसोड्स हुए, कुछ ऐसी बातें हुई हैं, कुछ ऐसे चीज़ें हुई हैं जो आदमी को इंटरेस्ट करती है एज एन एक्टर। डायरेक्टर साहब ने बहुत ही इन्वॉल्व होकर इस फिल्म को बनाया है। इट इज़ नॉट जस्ट एनी अदर फिल्म, इज बिन वेरी इन्वॉल्व। ये पैड पैड लेके राइटिंग पे ध्यान देते थे, डायलॉग्स चेंज करना, शॉर्ट डिविजन करना, मेहनत करना, प्लानिंग इनकी अच्छी थी कि यू नो कि भाई आज शिफ्ट जो है वो 10-12 घंटे की शिफ्ट है, इसके अंदर मुझे इतना काम निकालना है। इट इज़ माई ड्यूटी, मेरे एक्टर अच्छे हैं, अच्छी वो एक्टर हमारे रीडिंग करके आएंगे। तो डिड अ वेरी गुड जॉब। प्रोड्यूसर वॉज देयर टू बैक द प्रोडक्ट, लोकेशंस, प्रोडक्शन वैल्यूज, कम्फर्ट्स ऑफ एक्टर्स, टैलेंट का कम्फर्ट। तो जर्नी बहुत अच्छी रही है और आज हम सब जो यहाँ असेंबल हुए हैं, इट इज़ ऑल थैंक्स टू आवर प्रोड्यूसर एंड आवर डायरेक्टर एंड अ बिग थैंक्स टू द मीडिया फॉर कमिंग हियर। एंड आई होप वी कैन लिव अप टू द रिस्पेक्ट, लिव अप टू द बॉक्स ऑफिस, लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द ऑडियंस एंड मेक दिस फिल्म अ रिस्पेक्टफुली सक्सेसफुल फिल्म। काफी एक्टर्स इसमें हैं जिन्होंने पूरी शिद्दत से मेहनत करके यहाँ तक इस कहानी को पहुंचाए हैं। तो मैं चाहता हूँ आप लोग अपनी दुआओं के साथ इस फिल्म को देखिए और दुआएं दीजिए इस फिल्म को अंजाम तक पहुंचाने के लिए। सारे गेस्ट जो हमारे हैं, रजत भाई ने जो फरनानी साहब को लाए हैं, उनके लिए भी मैं शुक्रगुजार अदा करता हूँ। चलो एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर एकदम। क्योंकि ऐसा होता है, बोला जो सच तो जहर पिलाया गया मुझे और अच्छाई और अमीरी मुझे बदनाम कर दिया। यार मुझे टाइटल बहुत अच्छा लगा, अनफ्रेंड। मैं रोज दिन में 10-15 लोगों को अनफ्रेंड कर देता हूँ। कोई भी ज्यादा मैसेज करता है, करता है तो उनको अनफ्रेंड कर देता हूँ। इट्स अ नाइस टाइटल, टुडेज टाइटल। प्रोमो देखा, मुझे अच्छा लगा। नए कलाकार, मेरा दोस्त साहिल है, हम लोग साथ में एक्टर बनने आए थे। अब ये भी एक्टर है, मैं भी हूँ। तो उसने मुझे बोला, आई नीड योर सपोर्ट, मैं यहाँ पे हूँ, मेरे किसी भी दोस्त को और मेरे पास वक्त है और मैं शूटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं कहीं पे नहीं हूँ, तो मैं 100% उसके लिए आता हूँ। और ये तो मेरा बहुत अच्छा, हम लोग साथ में एक बैठ कर सोते थे, स्ट्रगलिंग टाइम पे 50-50 रुपए दे के एक बैठ लेते थे, उस पर सोते थे हम लोग। और फिर वो भैया जिम में जिम जाते थे, तो जिम के अंदर सब लोग, हम लोग इतने पतले हम लोग दोनों हुआ करते थे, बोले लेकिन जिम करना है, कुछ बनना है। फिर हम लोग ने बहुत मेहनत भी किया, लेकिन आज इसने फिर वो सपना छोड़ दिया। इसने क्या किया, अब मैंने उस सपने को बरकरार रखा, इसने बीच में थोड़ा छोड़ दिया क्योंकि घर वालों की जिम्मेदारी इस पे आ गई। तो इसने फिर एक बुटीक खोला वहाँ पे, लेकिन एक्टर का कीड़ा इसमें था, देखो अभी तक है ये। तो अच्छा काम किया इसने, लग भी अच्छा रहा है, बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा बोलता था कि अगर दो हीरो की फिल्म बनेगी तो अपन दोनों होंगे एक साथ में, ऐसी ऐसी बातें हम लोग करते थे। और आज ये भी एक्टर है, मैं भी एक्टर हूँ, मैं इसको हमेशा यही कहूँगा कि इसकी फिल्में चले और हर
वो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर जो फिल्म बनाता है, एक डायरेक्टर जो इतनी मेहनत करके फिल्म को बनाता है, वो फिल्म को आप लोग देखिए एक बार, क्योंकि फिल्म को देखना जरूरी है उसको डिसाइड करने के लिए कि फिल्म अच्छी है या बुरी है। तो फिल्म देखना जरूरी है क्योंकि कई लोगों की मेहनत होती है फिल्म में। कलाकार लोग सुबह से लेकर शाम तक, रात तक धूप में, कीचड़ में, मट्टी में काम करते हैं। डायरेक्टर अपनी पूरी को लगा के उसको वो बनाता है। प्रोड्यूसर कभी कभी पैसे कम देता है, लेकिन ठीक है, फिर भी लोग काम कर लेते हैं। तो प्रोड्यूसर भी क्या करेगा, देखो जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। लेकिन ये फिल्म के अंदर हमारी ये प्रोड्यूसर साहिबा, इन्होंने भी बहुत मेहनत की है, और इन्होंने भी, ये एक्ट्रेस भी है ना, ये एक्ट्रेस भी है, इन्होंने सब कुछ लगा के फिल्म बनाई है। तो ये फिल्म को आपको देखना है, और आपको ये प्रोमो देखने के बाद तीन चार लोगों को अनफ्रेंड करना है। अच्छा लगता है सर कि आपको अनफ्रेंड कर दिया, क्योंकि फिल्म में आपको एक रोल दिया नहीं कहीं कुछ? नहीं नहीं, मैं, मेरा बजट नहीं था ना इन लोगों के पास। थोड़ा महंगा प्रोड्यूसर साहब पिक्चर ही नहीं बना पाती। तो ये फिल्म अच्छी फिल्म है, और अगली फिल्म कर रहे हैं हमारे साथ एजाज भाई, हमारे साथ अगली फिल्म कर रहे हैं, अगली फिल्म करेंगे इंशाल्लाह। तो ये फिल्म जो है इसको आप देखिए, और नए प्रोड्यूसर्स को, नए डायरेक्टर्स को खड़े होने का मौका दीजिए, यही मेरी रिक्वेस्ट है। सही बात है। आजकल जो चल रहा है अनफ्रेंड चल रहा है, जो देश में जो चल रहा है, राज्य में जो चल रहा है, उसके बारे में? दोस्त मेरे अजीज, मेरे भाई, जो हम 15 साल से मुंबई में स्ट्रगल कर रही है, तो अपना मुकाम हासिल कर लिया है, मैं तो कर रहा हूँ। हमारे साथ के बहुत सारे थे, हमने बहुत इससे साहिल खान, ये मैं, आर्यन वे, बहुत सारे एक्टर हैं जो अभी हम, क्या नाम हम सब साथ में करते थे, हम आपस में ही काफी है, और हम कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। अभी हम बहुत जल्दी एक फिल्म करने वाले हैं साथ में सुल्तान मिर्जा, जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव हम कैरेक्टर करने जा रहे हैं। पता नहीं अभी तक, ये पता नहीं, ये फाइनल है, ये फाइनल हो चुका है, और ये मैंने इनसे बिना पूछे फाइनल कर लिया कि मुझे पता है कि मेरी बात कभी टालेगा नहीं, क्योंकि इतने अच्छे अभी आप लोग के सामने मीडिया में कहा है, तो वाकई में जिगर है, मेरा दोस्त है, भाई है मेरा भाई, बस खत्म बात, मैं ज्यादा कुछ मैं नहीं कहूँ। और ये मेरे बुलाने पर हमेशा आ जाते हैं, और मैं भी इनके साथ हमेशा खड़ा हूँ। दोस्ती की निभानी तो पड़ेगी ना, घर वाके में दोस्ती निभाते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है। आपने देखा होगा कि बहुत कुछ विवाद चलता रहता है, आज का जो माहौल चल रहा है वो ऐसा चल रहा है कि सांप क्या जहर उगलेगा, सांप क्या जहर उगलेगा, जो जहर आदमी उगल रहा है, सांप कोने में बैठ के हंस रहा है, आदमी आदमी को डस रहा है। तो ये माहौल हो चुका है। फिल्म के बारे में मैं ही कहना चाहता हूँ कि फिल्म तभी आप देख ही रहे कि इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पे काफी विवाद चल रहा है। अब इस फिल्म का मतलब क्या है अनफ्रेंड? तो हम तो बिना सोचे समझे किसी को भी फ्रेंड लिस्ट में ले लेते हैं, लेकिन इसके बाद क्या होता है ये फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। जिंदगी में मैं ये गलती करता हूँ कि मैं बिना सोचे समझे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट का क्लिक दबा देता हूँ मैं, तो उसके बाद मेरे लाइफ में जो जर्नी शुरू होता है, तो ये आप फिल्म के द्वारा देखेंगे। ट्रेलर में आप लोग ने देखा होगा, फिल्म कमाल बनी है, हम लोग ने बहुत मेहनत किया है, मेरे को स्टार हिमायत जी, नाफे अली खान, मौसमी, आयान, रजत जी, बहुत हम लोग ने, अशफाक सर मेरे जो डायरेक्टर है फिल्म के, हमने काफ़ी मेहनत किया इस फिल्म में। शेड्यूल काफ़ी चेंज हुआ है, कभी हम मुंबई में किए हैं, कभी हम कोल्हापुर में किए हैं, कभी कोल्हापुर में किए हैं। फिल्म को देखते 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 आज हम उस मकाम पर पहुँचे हैं जहाँ हम आज रिव्यू रखे हैं। फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, म्यूजिक लॉन्च हुआ है, और एक एक्टर के लिए सबसे बड़ी बात क्या हो सकती है, जो हमारी फिल्म डे बाई डे जब हम स्क्रीनिंग पे पहुंच जाते हैं, तो हम अल्लाह का शुक्र गुजार हूँ कि हमारी फिल्म यहाँ तक पहुंची। इंशाल्लाह हो सकता है हमारी फिल्म रिलीज़ भी होगी और बहुत अच्छी चलेगी, कि फिल्म का कंटेंट बहुत अच्छा है, आज की फिल्म है, आज की यूथ की फिल्म है, और हम सब ने बहुत मेहनत किया, और मैंने स्पेशली बहुत ज़्यादा मेहनत किया, वो कीचड़ में जाने का शॉट, और इस लड़की ने भी बहुत मेहनत किया, स्पेशली मैं बताना, वो जान ही रहा था, मैंने उनको जबरदस्ती कीचड़ में धकेल दिया। एक्चुअली क्या अभी मैं ज़्यादा एक्साइटेड थी, एक तो पहली बात है, लड़की है, प्रोड्यूसर है, अब इतने रिक्वेस्ट, हमारा रिक्वेस्ट होता था सर प्लीज सर कर लीजिए ना सर, ठीक है भाई लगा दो कीचड़, लोग फिल्मों में मैं देखता था कि कीचड़ के लिए कीचड़ भी आते थे, लेकिन मुल्तानी मिट्टी होता था उसके लिए बनाया जाता था, बट ये रियल मिट्टी है, ये रियल गोबर की भी खुशबू थी, लेकिन चलिए ठीक है, हमारी फिल्म एक्साइटमेंट में बनी है और बहुत अच्छी बनी है, और बाकी ने बहुत मेहनत किया फिल्म के लिए, टुकड़े टुकड़े में बनाए हम लोग ने फिल्म, लेकिन आपके सामने थी फिल्म, रिव्यू बहुत अच्छा रही, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। मैं चाहता हूँ कि हमारे सारे जितने भी स्टार कास्ट हैं इस फिल्म के लिए और अच्छे से काम करें, और हम मिल के काम करें, तो हमारी दोस्ती भी बरकरार हो गई, और अनफ्रेंड कोई नहीं हुए, हम एक दूसरे से आज भी फ्रेंड है, लेकिन फिल्म में हम अनफ्रेंड करते थे इसको, ये बड़ी बात है कि हम सब साथ। थैंक यू सो मच, आपके कहेंगे दो घंटा दिखता है, लेकिन उसके पीछे
हमें बहुत पापड़ झेलना पड़ता है और मुझे पता है मैं प्रैक्टिकली किया है ये बात है और एक्ट्रेस की बात मैंने इसमें किया तो इसका जो कॉन्सेप्ट था वेरी गुड सोशल मीडिया पर आधारित है और अच्छा काम किया फाइनली मैं जानता हूँ इसमें कैसे तो पूरा नेचुरल एक्टिंग जो था पूरा नेचुरल एक्टिंग था इसमें थोड़ा कमर्शियल मूवी से डिफरेंट था जैसा रियल रियल सब कुछ होता था हमारे साथ सब रियल रियल होते गए मैंने इनको पूरा कंधे पे उठाई मैं एक लड़की हूँ बहुत कुछ रियल किया है जो आप देखेंगे हाँ बोट्स चलाई तो जो मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम बोट चलाई मैं कभी बोट नहीं चलाई थी तो पता नहीं कैसे मैं बोट चला लिया मुझे खुद ही नहीं पता था कैसे मैं कीचड़ के अंदर चली गई सब ये वो ऐसे ही होते हैं तो यही और क्या बोलूँ आज मेरा जो एक्टर जो सब है हिमाय सर आए इन लोगों का सबका बहुत ज़्यादा सपोर्ट था क्योंकि मैं बहुत खुशनसीब महसूस करती हूँ अपने आप को क्योंकि मेरा जो एक्टर जो थे ना सब बहुत अच्छे हैं और बहुत मेहनती है मुझे हमेशा सपोर्ट की क्योंकि इन लोगों का सपोर्ट नहीं होता तो मेरी मूवी नहीं बनता था मैं कितना भी पैसा डालूँ उसमें नहीं बनने वाला और ये मूवी काफ़ी लॉन्ग टाइम पकड़ के बने हुए तब तक कोई रहता नहीं लेकिन हम सब एक जोड़ पेड़ के फ्रेंड बन के कोई अनफ्रेंड बहुत छोटे हेयर थे बट अभी हेयर बड़े हो गए मेरे तो हम लोग फ्रेंड बन के आज भी है हम कभी अनफ्रेंड नहीं बने एक डायलॉग है हमारी फिल्म का कि शेर की सवारी और विजय मल्होत्रा की यारी अच्छे अच्छों को नसीब नहीं होती तो आप लोग जरूर अनफ्रेंड को हर एक फ्रेंड तक पहुंचाएं और एक नहीं 10 लोगों तक पहुंचाएं तो ये विजय मल्होत्रा आपसे यारी का वादा करता है वरना अनफ्रेंड सब हो जाओगे थैंक यू बहुत मेहनत की सबसे पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूँ और काफ़ी मेहनत की हम लोग एक्चुअली दिखाना चाहते हैं कि आप लोग जो फेसबुक या किसी से भी फ्रेंडशिप करते हैं तो बहुत सोच समझ के करें ऐसे भी डायरेक्ट इसका मैसेज हम देना चाहते हैं कि इसके फ़ायदे भी हैं नुकसान भी है दूसरा अच्छा रेप केस बहुत चल रहा है जिसकी कोई सुनवाई नहीं हमारे फिल्म में भी एक छोटा सा एक सीन है एक लड़की का रेप होता है उसकी सुनवाई नहीं हो रही है हमने दिखाया है कि कैसे लोगों तक पहुँचे मैसेज कि रेप केस के ऊपर भी ध्यान जाए लोगों का बस बाकी मेहनत की है हम लोगों ने मेरे सारे आर्टिस्ट बहुत सपोर्ट किए मुझे बन गई हमारी पिक्चर बन गई